पढ़ना शुरू की ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आ गई, करीब आने वाली यानी कयामत। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, जिसको अल्लाह के अलावा खोलने वाला कोई नहीं है। अफ़ा मिन हादल हदीथ ताजबून, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो? वतज़हकून, आगे से हंसते हो? वला तबकून, तुम्हें रोना नहीं आता? वह अंतुम सामिदून, और तुम गाने बजाने अटखेलियां लहव लाब के अंदर मसरूफ रहते हो। फसजुदू लिल्लाहि वाबुदू, मेरे भाइयों जब सजदे की आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि करो सजदा इबादत वाला अपने रब के सामने, सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम इन आयात का इतना असर मुशरिकीने मक्का पर हुआ कि उतबा शैबा उबई इब्ने खलफ अबू लहब जितने बड़े बड़े कुफर के सरगने थे सारे सजदे में गिर पड़े, सारे सजदे में गिर पड़े। हत्ता के इन सब में सबसे ज्यादा मुतकब्बर कौन था? अबू जहल। अबू जहल सजदे में तो नहीं गया, उसने जमीन से मट्टी का एक टुकड़ा उठाकर अपनी पेशानी से लगा लिया, असर उस पर भी हुआ।